वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग मकॉलेज मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। रियल में इस मेथड में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। इस मेथड में हम लोग डिफ्लेक्शन और स्लोप फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी एक बीम में हम लोग कितना मैक्सिमम उसमें डिफ्लेक्शन आ सकता है किसी भी लोड की वजह से। क्लियर? इसके हमारे पास रियल में दो मेथड थे, एक मैकालोज मेथड जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एक हमारे पास था डबल इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, अब रियल में बात आती है कि डबल इंटीग्रेशन में हमारे पास मेथड था तो हमने मैकालोज मेथड को प्रेफरेंस क्यों दी कि हम क्यों मैकालोज मेथड पढ़ते हैं। इसमें देखो साफ साफ क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसमें बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारी कोई भी ये रिएक्शन है आर ए, ठीक है, यहाँ पे हमारी कोई भी रिएक्शन लग रही है आर बी। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा पॉइंट लोड है तो इसमें तो हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड काम करेगा, लेकिन अगर इसमें बहुत सारे लोड्स आ गए, जैसे ये डिफरेंट आ गया, ये इसमें एक डिफरेंट आ गया, यूवीएल आ गया, वहां पे यूडीएल हो गया, इसमें बहुत टाइप के लोड्स हो गए हैं, तो इसमें हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड काम नहीं करता है। तो इसलिए हमें मैकॉलेज मेथड की जरूरत पड़ी। मतलब फर्स्ट डिफरेंस क्या है दोनों में, मैकॉलेज और डबल इंटीग्रेशन में? डबल इंटीग्रेशन मेथड हम सिंगल लोड्स के लिए ही यूज कर सकते हैं, बट मैकॉलेज मेथड हम लोग किसी भी लोड के लिए यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देखो मैकॉलेज ने कुछ अजम्पशंस लिए थे, कुछ कैसे सॉल्व करा था इसने रियल में, देखिए। जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई बीम है, ठीक है, जिसपे एक आर ए लग रहा है और एक आर बी लग रहा है। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने इस पे पॉइंट लोड लगाया, ये ए डिस्टेंस है, ये बी डिस्टेंस है, ठीक है, और हमने इस पे कोई एक एक्स एक्शन काट लिया जो कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें इक्वेशन लिखें तो अकॉर्डिंग टू मैकॉलेज मेथड हम लोगों को मूवमेंट इक्वेशन चाहिए होती है। अगर हम इसका मूवमेंट लिखें तो रियल में हमारा मूवमेंट क्या होगा, एक्स के अलॉन्ग आर ए इंटू में डिस्टेंस कितना है एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर है तो ये नीचे आ रहा है, तो अगर ये पी लोड है हमारा तो प्लस सॉरी माइनस पी इंटू में ये डिस्टेंस कितना है एक्स माइनस ए, ये डिस्टेंस में निकालना है एक्स माइनस ए। ठीक है, तो एक्स माइनस ए, अब ये हमारा मैकॉलेज मेथड की बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है। ये तो रियल में मोमेंट इक्वेशन तो जनरली सब में सॉल्व सेम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज आ जाते हैं, रियल में ये क्या है, ये मैकॉलेज ने एक ऐसा ब्रैकेट यूज करा था जो कि हमें इंडिकेट करता है। जस्ट इमेजिन यहाँ पे अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन एक्स हो गई, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन एक्स हो गई मतलब ये लोड कहीं ना कहीं यहाँ आ गया, तो ये ब्रैकेट अपने आप इसकी वैल्यू जीरो दे देगा, तो ये इसकी इस केस में ये वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर? मतलब अगर हमारा डिस्टेंस कहीं पे भी माइनस आता है तो ये ऑल ओवर द वैल्यू जीरो हो जाएगी, यही मैकॉलेज ने कहा था। क्लियर? अब हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं या डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है, उससे हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसके लिए हम लोग यूडीएल के लिए कर लेते हैं कि अगर पूरी बीम पे एक यूनिफॉर्म यूडीएल लग रहा है तो जनरली वो कैसे होगा, जैसे ये मान लीजिए आर ए लग रहा है, ये हमारा आर बी लग रहा है और इस पूरे पे यूनिफॉर्म यूडीएल लग रहा है। क्लियर? इसकी इंटेंसिटी मान लेते हैं डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर? अब इतना अगर आ गया है तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसकी लेंथ एल मान लीजिए। क्लियर? सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व मैकॉलेज मेथड टू फाइंड आउट द रिएक्शंस। हमें सबसे पहले रिएक्शंस फाइंड आउट करनी है चाहे हमारा कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, अब इसमें हमारा पहला स्टेप है रिएक्शन फाइंड आउट करना। तो रिएक्शन के लिए हम लोग जानते हैं आर ए प्लस आर वी इज इक्वल टू W इंटू में L। दो आर ए ऊपर लग रहा है, आर बी ऊपर लग रहा है, तो W इंटू में L, W इंटू में L इस UDL को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, आई थिंक समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब अगर हम लोग रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो समीशन मूवमेंट A अबाउट जीरो ले लेते हैं। अगर इसका मूवमेंट जीरो ले लेते हैं तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा कि W L ये तो पूरा का हो गया, लेकिन ये लगेगा कितने पे, L by 2 पे। क्लियर? ये हमारा वो हो गया माइनस आर बी इंटू में ये एल डिस्टेंस। क्लियर? ये जीरो, हमने मूवमेंट ऑफ अबाउट ए जीरो ले लिया। क्लियर? तो इसमें हमारा सॉल्व होके क्या आएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू माइनस आर बी इंटू में एल इज इक्वल टू जीरो, दैट इज आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू।
और ड्यू टू सिमेट्री ये आप लोग यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं आई की वैल्यू भी डब्ल्यू एल बाई टू आएगी। क्लियर, यहां से हम लोग की आर ए और आर बी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। अब हम लोगों का काम क्या है इसमें, अब हम लोग इसमें मूवमेंट इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, मूवमेंट इक्वेशन हमारी क्या होती है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, आप लोग चाहे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम लोग मूवमेंट इक्वेशन लिखेंगे। देखो मूवमेंट इक्वेशन क्या होता है, स्टेप टू मूवमेंट इक्वेशन होगी हमारी ई आई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मूवमेंट। ठीक है, अब मूवमेंट लेंगे किसके अबाउट लेंगे, मूवमेंट इसमें हम जो लेंगे वो एक्स के अबाउट लेंगे। अब देखो एक्स क्या है, मूवमेंट अबाउट है। इसका अगर हम डायग्राम बनाए आर ए आर बी, ये हमारा इसमें लोड लग रहा है, यूनिफॉर्म लोड लग रहा है, इस पे हमने कोई भी एक क्रॉस सेक्शन काट लिया एक जो कि हमारा एक्स डिस्टेंस पे है। क्लियर, अगर हम इसको सॉल्व करें ठीक है तो क्या होगा, इसमें अगर हम लोग मूवमेंट इक्वेशन लिखे तो जनरली हमारी मूवमेंट इक्वेशन होगी ई आई डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए, आर ए ऊपर लग रहा है, इन टू एक्स, एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इस यूडीएल की बात करें तो डब्ल्यू इंटू किस डिस्टेंस पे लग रहा है, डब्ल्यू इंटू में एक्स, और ये एक्ट कितने पे करेगा, हाफ पे करेगा, तो एक्स का आधा। क्लियर, यहां तक की ये मूवमेंट इक्वेशन होगी हमारी। क्लियर, इसमें हम हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग लिखते हैं जिसकी वजह से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इमेजिनरी लाइन। क्लियर, तो अगर हम इसको और आगे स्टेप में लिखे तो क्या होगा, ई आई डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए की वैल्यू हमारी डब्ल्यू एल बाई टू आई थी जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू। क्लियर, अब इसको हमें फर्दर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, देखो ई आई डी वाई अपॉन में डी एक्स, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, डब्ल्यू एल बाई टू तो कॉन्स्टेंट है, एक्स वाई एक्स का क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू। क्लियर, यहां से और साथ में एक कॉन्स्टेंट भी तो आएगा जो कॉन्स्टेंट हमारा होगा प्लस सी वन। ठीक है, अब हम इसका कर लेते हैं माइनस डब्ल्यू बाई टू कॉन्स्टेंट है इन टू में एक्स क्यूब बाय थ्री। क्लियर, ये हमारी इक्वेशन आ गई इसमें। अब ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्या होगा इसमें, देखो अगर हम इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे हमें मिलेगा इसमें ई आई डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर बाय टू टू जा फोर, फोर प्लस सी वन, यहां से अगर करें तो माइनस डब्ल्यू एक्स क्यू डिवाइड में सिक्स। क्लियर, ये हमारी स्लोप इक्वेशन है, स्लोप इक्वेशन। लेकिन जब हमारी होगी, जब हम इसमें सी वन जो हमारा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करने के लिए हमें उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें एक बार इसको और इंटीग्रेट करना होगा, तो ई आई वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाय फोर, इस बार कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी वन का हो जाएगा सी वन एक्स माइनस, सॉरी यहां पे एक और कॉन्स्टेंट भी तो आ जाएगा, फिर एक और बार इंटीग्रेट कर रहे हैं तो माइनस डब्ल्यू बाय सिक्स एक्स की पावर फोर बाय फोर। क्लियर, अगर अब हम लोग क्या करें, इसे फर्दर सॉल्व करें, फर्दर सॉल्व करने का मतलब है कि अगर हम इसमें कंडीशन पुट करें, हमारे पास कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं, देखो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वाई की वैल्यू जीरो होगी। देखो एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो कर दूं, वाई हमारा क्या है, वाई में रियल हमारा डिफ्लेक्शन कि कितना डिफ्लेक्शन हमारा इसमें सो हो रहा है। क्लियर, तो ये वाई हमारा ये है, तो यहां पे वाई की वैल्यू जीरो होगी, एक्स इज इक्वल टू वाई जीरो पे वाई की वैल्यू हमारी जीरो होगी। क्लियर, अब इसमें देखो पुट करो, तो यहां पे वाई की वैल्यू जीरो पुट करनी है, जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू एल, इसको तो लिखने में कोई फायदा नहीं, एक्स की वैल्यू जीरो करनी है तो ये ऑल ओवर टर्म जीरो हो जाएगा, ये भी टर्म जीरो हो जाएगा, और ये भी टर्म हमारा पूरा जीरो हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई में। तो यहां से हमें पता चल गया जीरो इज इक्वल टू सी टू, मतलब सी टू की वैल्यू हमारी इसमें जीरो आ गई। क्लियर, अब इसमें अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन पुट करें
तो क्या होगा, सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x is equal to l पे भी तो y is equal to 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो एक सपोर्ट है, x की वैल्यू अगर मैं बढ़ा के l कर दूं तो यहाँ पे भी तो y की वैल्यू 0 होगी, डिफ्लेक्शन यहाँ पे कितना है 0 है, ठीक है। तो इसमें आप सॉल्व करें, इसी इक्वेशन में दोबारा पुट करो, y 0 है तो 0 is equal to wl upon 4 3 12, x की जगह l पुट कर दो तो l cube plus C1, x की है l पुट करना है l, C2 की वैल्यू तो 0 है तो 0 पुट कर दो, माइनस w by 6 4 24, क्लियर। तो x की पावर 4 है, x की जगह में तो l पुट करना है तो यहाँ पे l की पावर 4। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, क्लियर। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारा देखो क्या होगा, ये तो हमारी स्लोप इक्वेशन तो इसको तो इरेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हमने दोबारा लिख लिया है इक्वेशन, तुम लोग इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम यहां से सॉल्व करें तो क्या होगा, यहां से देखो डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन में 12 प्लस C1L, ठीक है, माइनस डब्ल्यू एल की पावर 24, ठीक है। अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंपली हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा C1L प्लस डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन में 24 इज इक्वल टू 0, दैट इज C1 इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाय 24, इस एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, क्लियर। तो यहां से हमारी C1 की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गए। अब हम लोगों को सिंपली स्लोप इक्वेशन और डिफ्लेक्शन इक्वेशन को करना है सॉल्व, ठीक है। अब देखो स्लोप इक्वेशन क्या है हमारी, यहां पे मैं इसे कॉर्नर में लिख देता हूं कि C1 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, C1 की वैल्यू हमारी आई है माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाय 24, क्लियर। और C2 की वैल्यू हमारी 0 आई है, क्लियर। अगर हम इसमें सॉल्व करें इसे फर्दर तो हमारा स्लोप क्या होगा, इसमें इसको इरेज कर देते हैं, इसमें आप देखिए तो इसमें हमारा स्लोप क्या होगा, ये हमारी स्लोप इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको अगर हम दोबारा लिखें तो ई आई डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस, सॉरी C1 की वैल्यू माइनस में है तो माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाय 24 माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब बाय 6, क्लियर। तो ये हमारी स्लोप इक्वेशन हो गई। अगर किसी पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है तो इसमें हम लोग x की वैल्यू पुट कर दें, जिस डिस्टेंस पे हमें स्लोप निकालना है तो सिंपली हमें इसमें से स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारी स्लोप इक्वेशन है, क्लियर, स्लोप इक्वेशन। अब इसमें हम लोग डिफ्लेक्शन इक्वेशन की बात कर लेते हैं, तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होगी, ई आई वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू एल एक्स क्यूब डिवाइड 12 प्लस C1 की वैल्यू कितनी थी हमारी, माइनस डब्ल्यू एल क्यू 24 इंटू में एक्स, C2 की वैल्यू तो हमारी 0 है, माइनस डब्ल्यू एक्स की पावर 4 6 4 24, क्लियर। तो इसमें ये हमारी आ गई डिफ्लेक्शन इक्वेशन, क्लियर, ये हमारी है डिफ्लेक्शन इक्वेशन। इससे हम लोग किसी भी चीज का डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं फॉर द पर्टिकुलर बीम, क्लियर। अगर हम लोग इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात करें कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा इसमें, तो देखो इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, हमारे पास सिंपली ये इक्वेशन थी हमारी डिफ्लेक्शन की, हमें पता है जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारा होगा, मैक्स डिफ्लेक्शन वो कितने पे होगा, एक्स इज एल इज इक्वल टू, सॉरी एक्स इज इक्वल टू एल बाय 2, क्योंकि यूनिफॉर्म लोडिंग है। अगर मैं इसे मिड पॉइंट पे ही यहां पे जो होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, वाई मैक्स की वैल्यू आएगी, तो यहां से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या आएगा हमारे पास, ई आई वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू एल वाई 12, एक्स की वैल्यू पुट करें अगर यहां पे तो एल क्यूब बाय 8, क्लियर, माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाय 24 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है एल बाय 2, क्लियर। अगर हम इसमें हम अगले में वैल्यू पुट करेंगे सेम तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस डब्ल्यू
x की पावर, x की जगह तो मैं l पुट करना है, तो l की पावर 4 अपॉन में 24, रियल में ये वाला 2 भी है, 2 की पावर अगर हम 4 करते हैं तो 2 2 4 2 8 2 16, क्लियर? तो यहां पे हमारा ये 16 आ गया। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, इसमें से WL की पावर 4 डिवाइड बाय 24, देखो पूरे में से कॉमन है, क्लियर? अगर हम इसमें कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, यहां पे, यहां पे बचेगा हमारे पास 1/4, यहां बचेगा -1/2, यहां बचेगा +1/16, क्लियर? अगर अब इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास देखो क्या बचेगा, WL की पावर 4 अपॉन में 24, ठीक है? अगर इसका हम एलसीएम ले तो ये 1/4 -1/2, तो हमारे पास -1/4 + 1/16, अगर इसको सॉल्व करें तो WL की पावर 4 24, एलसीएम लेते हैं 16, 4 4 16, -4 -1, क्लियर? यहां से हम लोग को ये पता चला, ठीक है? अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो देखो हमें क्या मिलेगा, अगर इसे हम आगे सॉल्व करें तो हमें सिंपली मिल जाएगा WL की पावर 4 अपॉन में 24 इनटू -5/24 इनटू 16 अगर हम करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा 384, क्लियर? तो यहां से सॉरी ये तो हमारा 16 है, सिर्फ 16 रहेगा, तो यहां से अगर हम इसे सॉल्व करें तो -5WL की पावर 4 अपॉन में 16 इनटू 24 करेंगे तो 384 हमारा आएगा। ये हमारी y max की वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसमें कितना आएगा, ये -5WL की पावर 4 अपॉन 384। आई थिंक आप लोगों को पूरा डेरिवेशन क्लियर होगा। इसी तरह इसमें हम किसी भी लोडिंग के लिए निकाल सकते हैं, बस फर्स्ट स्टेप हमारा होगा रिएक्शन फाइंड आउट करना, उसके बाद मोमेंट इक्वेशन लिखना, उसके बाद उसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें स्लोप इक्वेशन मिलेगी, देन अगेन उसके इंटीग्रेट करें तो हमको डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिल जाएगी, वहां पे हमें जहां पे वैल्यू चाहिए उसकी वैल्यू कैलकुलेट इजिली हम लोग कर सकते हैं। हर एक मेथड में सेम काम करना है, इजिली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स